हमारे वार्ड पार्षद के रूप में कावेरी देवी आज नॉमिनेशन की हैं और इसके पहले भी इनका रह चुकी हैं, निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं और इनका जितना दिन रही उतने दिन पूरे वार्ड का बहुत अच्छा कार्य हुआ है, सबसे बढ़िया कार्य हुआ है। इसलिए मैं पुनः कावेरी देवी को चाहूँगा कि इनकी जीत सुनिश्चित हो और जनता से भी मैं यही आग्रह करूँगा कि इनकी जीत सुनिश्चित करें। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे वार्ड नंबर 30 का पार्षद प्रतिनिधि हैं हम दिलीप सिंह। आज कावेरी सिंह का नॉमिनेशन हम लोग करवाए हैं और वार्ड नंबर 30 का जो भी कार्य हुआ और जो बचा हुआ है उसके लिए भरपूर जनता लोग के, पब्लिक लोग के प्रयास करेंगे कि जितना सुविधा हो हम दे सकें। सर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या कहिएगा? शिक्षा के लिए एक गर्ल्स स्कूल बनाने के, हम लोग के यहाँ 10+12 का गर्ल्स स्कूल नहीं है तो हम लोग गर्ल्स स्कूल बनाने का प्रथम मैंने उसका प्रयास करेंगे और हार्दिक बधाई देते हैं और 30 नंबर वार्ड के जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कितना विकास अभी तक हुआ, आगे कितना करने वाले हैं आप जानना चाहेंगे? विकास तो हम बहुत किए हैं, आगे जो भी योजना आएगी फिर आगे हम विकास करेंगे। महिलाओं के लिए खासतौर पर इस बार क्या रहेगा मुद्दा? महिलाएं के लिए एक हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, छोटा मोटा हॉस्पिटल, और रोजगार करवाएंगे महिलाओं लोग के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या रहेगा इस बार? स्कूल बनवा रहे हैं बच्चा लोग के लिए, लड़की लोग के लिए, महिला लोग के स्कूल बनवा रहे हैं। अच्छा, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए भी कुछ आप इस बार योजना रहेगा आप लोग? हाँ, महिलाओं के शिक्षित करना है योजना है। चुनाव को लेकर के अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहिए? वार्ड के लिए जनता के लिए कहना है कि जो भी काम छूटा हुआ है उसको पूरा करना है, जो भी योजना आएगी आप तक पहुँचाना है।